नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं Access24। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कई सारे खलल के बाद सबसे पहले पूरी रात में काउंटिंग हो नहीं पाई, उसके बाद फिर अब बारिश हो गई और उसके बाद लगातार कई दौर की मीटिंग चली इलेक्शन कमीशन और जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव बीच, और बार बार कभी लगता था वोटों की काउंटिंग अब शुरू होगी, तब शुरू होगी, फिर लगता था शायद काउंटिंग नहीं हो पाई क्योंकि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर कई सारे विश्लेषण हो रहे थे, कई सारे तर्क वितर्क हो रहे थे और उससे अपने हिसाब से समझने की कोशिश हो रही थी कि उस पर क्या रास्ता इलेक्शन कमीशन निकाल सकता है। उसमें बता दें, अब जो फैसला आया है, आपको पहले माना जा रहा था कि जो 150 वोट्स है, आखिरी के 150 जो होते हैं उसे वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे और हर स्कूल का नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे। अब उस पर लगभग एक फाइनल मोहर लग गई है। जो पैनल वोट है, जो प्रमुख प्रेसिडेंट, आपको वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी जैसे जो सीट्स होते हैं उसके आपको 150 पर स्कूल के नहीं खुलेंगे, यानी आखिरी 600 वोट्स का खुलासा नहीं होगा। और वहीं काउंसलर के पोस्ट के पर स्कूल के 50-50 वोट्स का खुलासा नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से जो फैसला है, एक रुझान तो पता चल जाएगा कौन व्यक्ति जीत रहा है, किस कौन व्यक्ति आगे है, लेकिन फाइनल रिजल्ट उसके लिए आपको एक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। एक तरीके से एक आपको बॉन्डिंग भी की गई है, जो स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, जो आखिरी जाएंगे, जिनके सामने वो आखिरी 150 वोट्स को लेगा, उनसे भी ये प्रॉमिस लिया जाएगा कि किसी भी प्रकार से वो आप जो रिजल्ट है फाइनल वो डिस्क्लोज ना करें। तो लगभग एक तरीके से 18 घंटे बीत चुके थे कि लग रहा था कि अब रिजल्ट आ जाना चाहिए, काउंटिंग शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन बार बार ये इल्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लग रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इस बार इंटरफेरेंस कर रहा है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बॉडी है, यहाँ के स्टूडेंट लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराते हैं और इसमें कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं रहा। तो इस बार माना जा रहा था GEC है, जो स्टूडेंट जो ग्रीवेंस कमेटी है जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो बार बार कई बार इंटरफेरेंस करने की बात कर रहा था। सुबह यहाँ पर जो JNU के अभी जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उनका भी एक तरीके से बात आई कि ऐसी बात भी सुनने मिली थी, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था अगर वोटिंग की काउंटिंग शुरू हुई तो आपको CRPF बुला दिया जाएगा। एक तरीके से वोटिंग की काउंटिंग रुकवाने की बात थी। और जो अभी भी जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जिस प्रकार का बातचीत हो रही है, उसमें यह चीज़ कहने की कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वही के लोग हैं जो इल्ज़ाम यहाँ की लेफ्ट पार्टियाँ लगा रही हैं कि वही लोग इस तरह का पिटीशन कोर्ट में डलवाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, जानबूझ कर जो वोटिंग का जो काउंटिंग है उसे वो रुकवाना चाहते हैं, उसे डिरेल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन रिजल्ट को अफेक्ट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट की पार्टियाँ मजबूत हैं और वही जीतते हुए आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी को पता है वो इस बार भी हार रही है और वो इस तरीके से इलेक्शन को अफेक्ट करना चाह रही हैं, इसे डिरेल करना चाह रही हैं और रिजल्ट नहीं आने देना चाह रही हैं। तो अब हम इस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखें। आप देख रहे हैं जिस बारिश ख़त्म हुई है, अब लोगों को पता चलने लगा है कि रिजल्ट अनाउंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, पूरी रात काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि रिजल्ट्स को रोका गया है, इलेक्शन कमीशन कई मीटिंग करी, तो छात्र वापस जाने लगे थे अपने छात्रावास में जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए थे। लेकिन अब वापस छात्रों का जुटान होने लगा है, अब बारिश रुक गई है, अब सारे छात्र अब निकल आ रहे हैं, जो स्कूल्स में पढ़ते हैं वहाँ से अपने हॉस्टल से आ गए हैं। तो अब देखना होगा, जो क्योंकि अब स्कूल का रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी स्कूल का आपका काउंसलर पोस्ट का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है, बाकी स्कूल्स में भी अब आएंगे। अब पैनल जो वोट है जो उसके लिए भी सारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिया गया है। तो अब हम इस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखेंगे, देखेंगे क्या इस बार भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो लाल झंडा है वो फहराता है या फिर कोई बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर हम बनाए रखेंगे अपनी नज़र। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल Access24 को सब्सक्राइब कर लें।